प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुर में आज हड़कंप मच गया। यहां दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर हवाई फायरिंग और पथराव हुआ, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायरिंग होते देख गांव के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई। पुलिस को देख फायरिंग कर रहे दोनों पक्षों के लोग फरार हो गए। मामला उस वक्त का है जब भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव अहमदपुर निवासी नाजिम और गुड्डू में प्लॉट में ईंट रखने को लेकर एक दूसरे को जान से मारने को लेकर उतारू हो गए, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ से पहले तो पथराव और फिर बाद में हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। आज पथराव और फायरिंग में गनीमत यह रही कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष प्रदीप मलिक ने गांव का जायजा लिया। गांव में अधिक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। SPRF उदय शंकर सिंह ने बताया कि प्लॉट में ईंट रखने को लेकर अहमदपुर गांव में पथराव फायरिंग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। पथराव और फायरिंग करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दी गई है। नामजद 12 लोगों के खिलाफ FIR व 8 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अहमदपुर आनंदपुर क्या मामला बता दिया था? इस बारे में हमको ही नहीं पता क्या मामला हो, कैसे हो, क्योंकि हम घर पर ना आए तो आकर अपना दुकान भी ना खोली हुई, हमारी दुकान ही बंद थी, नमाज पढ़ने चले। अच्छा, नमाज पढ़ के आप आए तो क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा था, हमने तो नमाज पढ़ के भी आकर कम से कम एक घंटे बाद दुकान खोली, अभी खोली है एक डेढ़ घंटे के बाद मानते हो यार, पूरे खाना वाना खिलाकर दुकान खोली। यहाँ पर पथराव फायरिंग वगैरह हुई है? फायरिंग तो हुई, पथराव भी हुआ, लोग देखा ही है, बताया लोगों ने कहाँ पथराव हुआ है। क्षेत्रांतर्गत गाँव अहमदपुर में कल दिनांक 4 तारीख को अपराह्न लगभग 2 बजे के आसपास दो पड़ोसियों में ईंट को एक प्लाट में रखने को लेकर विवाद हुआ और उसमें आपस में इनकी मारपीट हुई। फायरिंग के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि फायर आर्म से इंजरी किसी को नहीं है और पुलिस के द्वारा इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। किस मामले को लेकर हुआ था? कुछ एक प्लाट पे कुछ ईंट रखने को लेकर आपस में दोनों में ये विवाद हुआ था, ऐसा अभी तक जानकारी में आया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।